हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुंबई ने शानदार तरीके से चेन्नई को हराकर जीत लिया एक और मैच, और आईपीएल में पहली बार मुंबई और चेन्नई का मैच इतना बकवास हुआ। चेन्नई की टीम बाकी टीम से हारे कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई से हारना। चलो 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 चलो, इधर इधर। अरे अभी से चल, देख आराम से, देख आराम से, देख आराम से, देख आराम से, देख। और अब तो चेन्नई के फैंस की कुछ ऐसी हालत है, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मतलब चेन्नई के फैंस के लिए कोविड-19 के पैंडेमिक से भी बुरा कुछ हो सकता है, तो वो है इस साल का आईपीएल सीजन। लास्ट संडे 3 सुपर ओवर देखने को मिले, तो ऐसा लगा इस हफ्ते कुछ धमाकेदार मैचेस होंगे, लेकिन उसके बाद एक भी ढंग का मैच देखने को नहीं मिला, और ऐसा लग रहा है उस सुपर ओवर को जमाना बीत गया। और मुंबई की टीम जैसे खेल रही है, इनको ट्रॉफी देकर खत्म कर दो यार आईपीएल, मतलब इनको कोई कैसे हरा सकता है यार। और इनको एक मैच हराने में ही दो दो सुपर ओवर लग जाते हैं यार, कम से कम कुछ तो शर्म करो। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। इस साल चेन्नई की टीम ने जैसा खेला है, टॉस पर ही दूसरी टीम को 2 पॉइंट्स दे देने चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से चेन्नई की टीम में स्पार्क की काफी बात हो रही थी। स्पार्क का तो पता नहीं, इस मैच में तो 440 वॉट का झटका लगा है सभी को। और इस साल आईपीएल में फुटबॉल को इतना प्रमोशन मिल रहा है पूछो ही मत। मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई टीम मैच के बीच में फुटबॉल खेलना शुरू कर देती है, और ऐसा लग रहा है इस बार आईपीएल की टीम्स ये प्लानिंग करके आई है कि आरसीबी का 49 वाला स्कोर हम तोड़ेंगे। और जिस हिसाब से कोशिश चल रही है, मुझे लगता है कोई ना कोई तो तोड़ देगा। एक बार मिला दे यार। पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो गई है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स को अभी भी लगता है चेन्नई की टीम क्वालिफाई कर सकती है। मतलब कमाल है, इतना कॉन्फिडेंस तो खुद चेन्नई को अपने ऊपर नहीं है जितना इन कमेंटेटर्स को चेन्नई के ऊपर है। इनका तो बस नहीं चलता, ये अभी भी चेन्नई को फाइनल खिला देंगे। मैच शुरू हुआ तो सभी को लगा चेन्नई की टीम थोड़ी बहुत बैटिंग तो कर ही लेगी, लेकिन जैसे ही बुमराह और बोल्ट बॉलिंग करने आए तो चेन्नई के प्लेयर्स का कुछ ऐसा हाल था। फाइनली सीएसके ने इस साल इमरान ताहिर को खिलाया, और उस भाई ने सोचा भी नहीं होगा उसको बैटिंग करने के लिए खिलाया है, पर भाई ने इतनी बैटिंग तो करी दी कि वो बाकी प्लेयर्स को बैटिंग करना तो सिखा दे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।